अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया तेरे छोकरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का प्यारा सा स्टेटस अपने मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस स्टेटस को मैंने काइनमास्टर ऐप में एडिट किया है। दोस्तों, अगर आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर ऐप नहीं है दोस्तों, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री वाला काइनमास्टर ऐप मिल जाएगा। दोस्तों, इस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, इस स्टेटस को एडिट करने के लिए आपको अपनी एक इस तरह की पिक क्लिक कर लेनी है। पिक को क्लिक करने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली दोस्तों गूगल में जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है remove.bg। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको अपनी पिक को अपलोड कर देना। दोस्तों, विद इन 10 सेकंड में आपको आपकी पिक मिल जाएगी बिना किसी बैकग्राउंड के, उसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, सिंपली आप लोग काइनमास्टर ऐप में आ जाइए, यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर 9 रेशो 16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको चीज और बता दूं, इस वीडियो को मैं जितना भी एक्सटर्नल मटेरियल मैं यूज करूंगा सारे का सारा लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहां से दोस्तों आपको इस वाले बैकग्राउंड को ले लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहां डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इसकी लेयर पर क्लिक करना है, यहां सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना है और इसको दोनों उंगलियों से इस तरह से दोस्तों जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये नीचे इसकी लेयर आई है इस पर टाइप करना है और इसको अपने जितना बड़ा स्टेटस बनाना चाह रहे हैं इतना बड़ा आपको इसको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों आपको ये मोबाइल फ्रेम वाली PNG लेकर आ जानी है। इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेना। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरा जितना बड़ा अपना स्टेटस बनाना चाह रहे हैं उतना बड़ा यहां तक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। दोस्तों यहां पर आपको अपनी पिक लानी है, जिस पिक का आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था उसको लाने के लिए सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों आपको अपनी वाली पिक लेकर आ जानी है। इसको कुछ इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको इसको यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरा स्टेटस के बराबर कर लेना है। डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। फिर से दोस्तों आपको इसकी लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट पर जाना है, डुप्लीकेट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा दोस्तों इस तरह से आप कर लीजिएगा, इसको अब आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आप ये ऊपर ये पहली वाली पिक लाए थे इस पर आपको क्लिक करना है, इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है, अल्फा ओपेसिटी पर जाना है और इसकी ओपेसिटी को आपको यहाँ पर 50% कर देनी है। 50% करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक PNG लगानी है मोबाइल की, मोबाइल कट करके PNG बनाई हुई है दोस्तों, उस PNG को आपको लगाना है। उसके लिए दोस्तों सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है, लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों सिंपली इस वाली PNG को यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब इसको दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर सेट कर देना है मोबाइल के साइज का बिल्कुल बनाकर। दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दूंगा, इससे ये लगेगा कि बिल्कुल एक पैर मोबाइल के अंदर है और एक पैर मोबाइल के बाहर है। दोस्तों इस तरह से आपको इसको सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसको आपको अपने पूरे स्टेटस के बराबर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। दोस्तों यहां पर आपको कलर इफेक्ट लगाना है। कलर इफेक्ट लगाने के लिए सिंपली दोस्तों लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों यहां से आपको इस कलर इफेक्ट वाली वीडियो को लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है, सिंपली एक स्टेप बैक आना है और इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहां पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा और इसको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको एक लिरिक्स वीडियो लेकर आ जाना है और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको इसको इस एंगल में ले लेना है। इस तरह से दोस्तों जूम कर लीजिएगा, यहां पर देख सकते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों आपको यहां 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों इन ऑप्शन को स्क्रॉल कर लेना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, थोड़ा सा ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, स्क्रीन वाली बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको वीडियो को प्ले करना है और आपको यहां पर 2 सेकंड के आसपास वीडियो को स्टॉप कर देना है। इसको स्टॉप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जो ये आप अपनी इमेज अपनी पिक लाए थे इसका पर आप इसकी लेयर पर आपको क्लिक करना है, सीजर वाली बटन पर जाना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपको दूसरी वाली जो आपकी पिक थी इस पर भी आपको क्लिक करना है और सीजर वाली बटन पर जाना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है।
अब दोस्तों आपकी जो ये ऊपर बड़ी वाली पिक आ रही है, जो जिसको आपने ऑपेसिटी को कम किया था उसकी लेयर पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल एनिमेशन पर जाना और फ्लिकर वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। आप दोस्तों लेयर वाली बटन पर जाना है, ओवरले वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर दोस्तों मिस्टीरियस फॉग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। दोस्तों अगर आपके काइन मास्टर में मिस्टीरियस फॉग का ऑप्शन ना आ रहा दोस्तों, इसको सिंपली गेट मोर वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको मिस्टीरियस फॉग वाले ऑप्शन पर जाना है और ये सेकंड नंबर वाले आपको ओवरले को ले लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना और इसको बॉटम साइड आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थ्री डॉट पर जाना है और डुप्लीकेट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं ये दूसरा इसका आ गया, इसको इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके जस्ट पीछे आपको यहां लगा देना है। अब दोस्तों सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो सेकंड नंबर वाला ओवरले था यहां पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर जाना है, डुप्लीकेट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों आपको जो अभी नया आया उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और जस्ट इसके पीछे इस तरह से लगा देना है। इस तरह से दोस्तों आपको थर्ड वाले पर भी बिल्कुल यही करना है, यानी कि आपको इसको अपने पूरे स्टेटस पर कर देना है। जिस तरह से यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको लगभग पूरे स्टेटस पर कर दिया। इस तरह से दोस्तों आप लोग भी इसको पूरे स्टेटस में कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना। दोस्तों आपका स्टेटस लगभग पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसको दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको इस वाली बटन पर क्लिक करना और एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों विद इन वन मिनट ये आपका एक्सपोर्ट होगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेटस को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।